किसी ने मुझसे YouTube पे एक सवाल पूछा कि मैं एक ही बात को बार बार बोलता हूँ, सोचता नहीं हूँ पर सबसे एक ही बात बार बार बोलता रहता हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ, क्या यह बीमारी है? वाकई इसे OCD कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल वर्ड टू वर्ड न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। उनका ये भी कहना है कि एक ही काम को बार बार तो नहीं करता हूँ, सिर्फ बोलता हूँ, तो ये बीमारी में आता है क्या? आए दिन आप इस तरह के लोगों से मिलते होंगे या आपके साथ रहते होंगे जो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं, देखिए मैंने सामान रख दी है, क्या मैं अभी पढ़ाई में अच्छा कर रहा हूँ, या बार बार एक ही वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जनरली क्या होता है कि ऐसे लोगों से लोग घर वाले परेशान हो जाते हैं और कहते हैं क्या एक ही चीज़ पूछता रहता है, दिमाग खराब कर दिया। पर उन्हें पता होना चाहिए कि वो परेशान चल रहा है, वो एंजाइटी डिसऑर्डर OCD का पेशेंट। अगर उसे हर बात पे टोका टोकी करेंगे या उसको इग्नोर करेंगे तो उसके अंदर का आत्मबल और भी कमजोर हो जाता है। उसके कॉन्फिडेंस तो कहीं ना कहीं पहले से कमजोर थे, उसे लगता था कि कोई उसकी बात को समझता नहीं है, तो वो बार बार एक ही बात को बोल के समझाने की कोशिश करता था। और जब वो व्यक्ति अगला उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया या रिस्पॉन्स नहीं किया तो उसके मन में एक फियर आ गया कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ। एक्चुअली होता ये है, हम अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे विचारों को इकट्ठा कर लेते हैं, वो विचार या तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, लेकिन जो नेगेटिव विचार होते हैं उससे हम बहुत परेशान होते हैं और हम बार बार लोगों से एक ही बात पूछ के, आपने ये सामान रखा था, आपने मेरी बातें की थी, आपने उनसे कहा था, या क्या मैंने पढ़ाई ठीक से की, मेरे कपड़े ठीक हैं, तो अगले को थोड़ा उसको समझने की ज़रूरत है। और उस व्यक्ति को जो बार बार एक ही बात को दोहरा रहा है उसे खुद को व्यस्त रखना होगा। और भी बहुत सारे काम हैं उसके अंदर के आत्मविश्वास को बनाने के लिए, परिवार वाले की भी सहयोग की जरूरत है। अगर फिर भी उसे लगता है कि वो बोलने से बार बार रिपीटेशन से खुद को अलग नहीं कर पाता है तो किसी प्रोफेशनल से उसे जरूर मिलाएं, क्योंकि बहुत सारे थेरेपी होते हैं, स्टॉक थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन, कॉग्निटिव थेरेपी, और इन सब थेरेपी की वजह से उसके अंदर के वो असुरक्षा की भावनाओं को निकाला जाता है, उसके अंदर आत्मविश्वास लाया जाता है, उसको एहसास दिलाया जाता है कि आप जो बोल रहे हैं वाकई वो गलत नहीं है, लेकिन अगला शायद इसे बर्दाश्त नहीं करता है, इसलिए आप अपने आप में कैसे चेंज लाएंगे, तो बहुत हद तक वो निकाल देता है। बस उसे इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये एक बीमारी है जिसे OCD कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें मुझे पता होता है कि जो मैं बोल रहा हूँ दूसरे से वो सही नहीं है, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं होता है, उसे लगता है नहीं बीमारी कहाँ से होती है, वे लोग मेरी बात ही नहीं समझते हैं। आइए ऐसे व्यक्ति को सहयोग दें, उसे उसके हाल पे ना छोड़ें और कोशिश करें उसका समुचित इलाज जल्दी से हो जाए, वरना ये छोटी सी बीमारी कब कहाँ कौन से गंभीर मानसिक बीमारी में ट्रांसफर हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर से जरूर लाइक करें और हमारे YouTube चैनल वर्ड टू वर्ड न्यूज को सब्सक्राइब करें।